हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग में हमने स्टार्ट किया है इरिगेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट और अभी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है डायवर्जन हेडवर्क्स चैप्टर और जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है रिवर ट्रेनिंग वर्क इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो हैं फ्लड कंट्रोल एंड देयर मेथड्स प्लस रिवर स्टेजिज एंड देयर पैटर्नस तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सो रिवर ट्रेनिंग वर्क में सबसे पहले तो कि वट इज रिवर ट्रेनिंग वर्क इसकी इंट्रोडक्शन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है सो रिवर ट्रेनिंग वर्क वो वर्क होता है जो कि इंप्रूवमेंट करवाता है इरेगुलर्टीज़ को इरेगुलरटीज़ मतलब जो आपका रिवर फ्लो है उसमें जो इरेगुलर फ्लो में जो रिवर फ्लो हो रही है उस इरेगुलर्टीज़ को ओवरकम करना मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट करवाना ताकि जो रिवर का फ्लो है वो स्मूथ फ्लो में मूव करें रिवर ट्रेनिंग वर्क में इरेगुलरिटीज़ का मतलब इरोजन से है सिल्टिंग से है क्योंकि जो साइड स्लोप ऑफ द रिवर होती है या फिर उसको एम्बेक्टमेंट जो हम बोलते हैं जब उसमें कंटिन्यूसली वाटर स्ट्राइक होता रहता है रिवर का क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो इरेगुलर फ्लो है तो कंटिन्यूसली वो स्ट्राइक होता रहेगा और जैसे वो स्ट्राइक हो रहा है साइड स्लोप में रिवर की तो वहाँ से इरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है और जब इरोज़न होगा तो वहाँ पर सिल्टिंग की प्रॉब्लम होगी मतलब जो बेड लेवल है वहाँ पर सिल्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो वहाँ पर पार्टिकल्स एक्सकेप हो रहे हैं साइड स्लोप से वहाँ पर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे रिवर के बेड में तो इसी की वजह से जो फ्लो है रिवर में वो इरेगुलर फ्लो हम उसको नाम देते हैं सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शंस एंड प्रिवेंशंस अंगेंस्ट द सिल्टिंग स्कोरिंग प्रॉब्लम्स डेट इज कॉल्ड रिवर ट्रेनिंग वर्क इसमें जो सेकेंड रीज़न है सिल्टिंग या स्कोरिंग का वो है हिल एरिया हिल एरिया में जो ग्लेशियर्स होते हैं जब वो मेल्ट हो, होते हैं तो वो मेल्ट होकर वो वाटर जो है रिवर में आकर ही मिलेगा और जब वो रिवर में मिल रहा है तो वहाँ पर डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है डिस्चार्ज इंक्रीज़ तो हो ही रहा है प्लस जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो जो मेल्ट होकर वहाँ से स्टोन या फिर बोल्डर्स साइज़ पार्टिकल जो भी हैं वो भी साथ में डिपोजिट रिवर में हो रहे हैं इसके वजह से बेड लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और इरेगुलर फ़्लो देखने को मिल रहा है तो इस सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए हम रिवर ट्रेनिंग वर्क यूज करते हैं नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मैं वन बाई वन उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे so, पहले तो ये प्रोवाइड करवाता है एक स्मूथ सेफ पैसेज फॉर फ्लड मतलब जब कभी भी वहां पर फ्लड आए तो फ्लड का जो वाटर है वो भी एक स्मूथ फ्लो में फ्लो हो सेकेंड में आ जाएगा इट प्रोवाइड्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर नेविगेशन परपज़ अगर नेविगेशन परपज़ के लिए माँ को यूज़ करना है तो वहाँ पर माँ को मिनिमम डेफ्थ चाहिए होती है तो वो ये इस पर भी वर्क करेगा देन इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अबाउट बैंक फ्राम इरोज़न जो आपके एम्बर्टमेंट साइड होता है या बैंक साइड होती है वहाँ पर इरोजन ना हो तो उसके लिए भी ये वर्क करेगा वहाँ पर ये सफिशेंट अमाउंट में या फिर गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करेगा ताकि वहाँ पर इरोज़न क्रिएट ना हो देन नेक्स्ट में आ जाएगा इट इम्प्रूव द अलाइनमेंट ऑफ रिवर मतलब जो रिवर है उसका जिग जैक वे ना हो फ्लो होने का अगर वो स्मूथ फ्लो होगा तो वहाँ पर वाटर स्ट्राइक नहीं करेगा तो इसलिए रिवर का जो फ्लो है तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो भी स्टेट स्मूथ होनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो पाए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लड कंट्रोल एंड देयर मैथड्स तो किस तरह से फ्लड को कंट्रोल किया जाए रिवर में और क्या क्या मैथड्स होने चाहिए फ्लड कंट्रोल के सो so, आइए देखते हैं सो so, सबसे पहले तो वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्लड कंट्रोल फ्लड कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज फ्लड मैनेजमेंट जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है डेफिनेशन सो फ्लड कंट्रोल एक मैनेजमेंट है जो कि फ़्लड की सिचुएशन को कंट्रोल करती है जो कि रिवर में जब फ्लड आता है तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करवाती है बट देखना पहले ये है कि कौन कौन सी रीज़न की वजह से, से वहाँ पर फ्लड आ रहा है अगर वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है या फिर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं तो उसके वजह से जो डिस्चार्ज है रिवर में वो इनक्रीज़ हो जाता है और डिस्चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर ओवर की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ओवर का मतलब होता है कि जो रिवर की बैंक साइड है वहाँ पर जो वाटर है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा मतलब रिवर की बैंक साइड से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा डैट इज़ कॉल्ड ओवर सो so, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल सो ना अब देखते हैं कि क्या क्या मैथड्स होंगे इसे कंट्रोल करने के सो so, इसमें सिक्स मेथड्स हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं सो so, सबसे पहले है फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर सो इन टाइम्स ऑफ करेंस ऑफ फ्लड रिजर्व रिजरवायर प्ले इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि जब फ्लड आएगा वहाँ पर एक्सेस वाटर होगा तो उस एक्सेस वाटर को हम रिजरवायर में स्टोर कर देंगे सो so जब आपका फ्लड वाटर है वो पीक पॉइंट पर होगा तो उस वाटर को हम या फिर रिजर जो रिवर है उसमें जो पीक पॉइंट जब फ्लड आ रहा है तो उस चीज़ को हम रिलीज़ कर देंगे डाउन स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड में जो है रिजर्वायर होगी और उस रिजर्वायर में वो एक्स्ट्रा वाटर फ्लड का स्टोर हो जाएगा इस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हुई है कि किस तरह से हम डाउन स्ट्रीम साइड में जो रिजर्वायर प्रेजेंट है वहाँ पर हम एक्सेस वाटर फ्लड का स्टोर कर रहे हैं नाउ सेकेंड मैथड इज़ लेवीज एंड फ्लड वॉल्स लेवीज एक अर्थ एवेक्टमेंट होती है इट इज़ अ शॉर्ट टाइप अर्दन डैम्स जैसा अर्दन डैम होता है उस तरह से ये शॉर्ट टाइप्स का अर्दन डैम होता है जो कि कंस्ट्रक्शन बोथ साइड ऑफ द रिवर की जाती है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो रिवर के दोनों साइड में है एवेक्टमेंट बनाई हुई है अर्दन डैम टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लेविस का मतलब बांध भी होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है रिवर के बोथ साइड में बनाया हुआ है ताकि ये फ्लड वाटर को कंट्रोल कर पाए नाउ सेकेंड वन इज फ्लड वॉल्स जैसे कि आप इसका डायग्राम भी स्क्रीन पर देख रहे हो फ्लड वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द रिवर इट इज डिज़ाइंड एज अ ग्रेविटी डैम जिस तरह से ग्रेविटी डैम होता है उसी तरह से ये फ्लड वॉल्स बनाई होती हैं जब फ्लड वाटर इन वॉल्स के ऊपर से फ्लो करेगा तो उस टाइम जो है अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होगा और जब एक्स्ट्रा वाटर डैट इज़ फ्लड वाटर जब इन वॉल्स के ऊपर से लिफ्ट कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है तो सेकेंड साइड में जो है अनदर सोर्स ऑफ वाटर रहेगा वहाँ पर वो वाटर स्टोर होता रहेगा और इस तरह से हम फ्लड को कंट्रोल करेंगे बाई यूजिंग दीज फ्लड वॉल्स नाउ थर्ड मैथड इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ रिवर चैनल इसमें क्या होगा कि जिस तरह से डिस्चार्ज इंक्रीज होता रहेगा जो वाटर प्रजेंट है रिवर में डिस्चार्ज इंक्रीज होगा और प्लस इंक्रीज़ होगा फ्लो एरिया एंड डिक्रीज द सरफेस रफनेस मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि जो रिवर है उसकी हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे डेट इज़ कॉल्ड रियल अलाइनमेंट मतलब रियल अलाइनमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि जब वहाँ पर फ्लड आ रहा है तो डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है और डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर एम्बर्टमेंट के बाहर वो फ्लो कर रहा है तो मतलब फ्लो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है तो इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर हम उस रिवर की जो विर्थ है लेंथ है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो फ्लड वाटर है उस सराउंडिंग एरिया में ही फ्लो करे और इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपरली स्क्रीन पर दिखाई दे रही है देन फोर्थ वन इज़ डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर टू फ्लड वे इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसमें क्या है कि जो रिवर है वहाँ पर एक डाइवर्जन वर्क सिस्टम होना चाहिए ताकि उस डाइवर्जन से जो आपके पास फ्लड वाटर है वो दूसरी साइड में स्टोर हो पाए और जो दूसरी साइड में वो स्टोर होगा उसे हम कह रहे हैं फ्लड वे डाइग्राम में क्लियर हो रहा है एक रिवर है और रिवर के साथ डाइवर्जन वर्क किया हुआ है और उस डाइवर्जन वर्क से जो है एक्स्ट्रा वाटर फ्लड का वाटर जो है वहाँ से पास हो रहा है और फ्लड वे में वो पहुँच रहा है इस तरह से फ्लड की सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे नाउ सेकेंड लास्ट इज़ फ्लड फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग फॉरकास्टिंग का मतलब हुआ पहले से ही पता लगाना कि कितनी इंटेंसिटी में वहाँ पर फ्लड आने वाला है तो हम क्या करेंगे कि रेन गॉजि हम डिफरेंट स्टेशन पर सेटअप कर देंगे जो भी आपके पास कैचमेंट एरिया होगा वहाँ पर डिफरेंट साइड्स पर हम रेन गॉजि को सेटअप कर देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ फ्लड क्या होगी और जो वार्निंग है फ्लड वार्निंग है वो तो हमें फॉरकास्टिंग के थ्रू पता चल जाती है जैसे भी टी वी है न्यूज़पेपर है वहाँ पर पहले से आ जाता है कि कितनी इंटेंसिटी में जो है फ्लड आने वाला है सो so, हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे नाउ लास्ट वन इज़ एमरजेंसी एवेक्शन ऑफ एरिया इसमें क्या होगा कि जो फ्लड आने से पहले जो सराउंडिंग एरिया में जो झोंपड़ पट्टी वाले लोग रहते हैं उनको पहले से अवेयर कर देंगे या तो उनको वहाँ से हटाकर कहीं और उनको शेल्टर प्रोवाइड करवा देंगे ताकि फ्लड जो फ्लड से जो डैमेज आने वाला है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ सो so, ये थे फ्लड कंट्रोल के मेथड्स जो कि इंपॉर्टेंट है ना जो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर स्टेजेस एंड पैटर्न्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा